गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल का हम लोगों का टॉपिक था, कल हम लोग देखे थे हीट बजट के बारे में। ठीक है, कल हम लोग जो लास्ट जहाँ पे खत्म किए थे वो पृथ्वी का अल्बिडो ये सब पढ़े थे, हीट बजट पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल के गर्म होने की विधियां, मेथड्स ऑफ हीटिंग एटमोसफियर। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो कि वायुमंडल जो है तीन तरह से गर्म होता है, तीन प्रोसेस से गर्म होता है। एक है संचालन, संचालन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्शन। दूसरा है संवहन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्शन। और तीसरा है विकिरण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब है क्या कि मान लो कि कोई एक वस्तु यहां पर है। ठीक है, मान लो कि ये मैं हूं अर्पिता मैम, और यहां पर तुम लोग एक दो तीन चार पांच लोग लाइन से खड़े हो। ठीक है, अगर मुझे एक किताब रोल नंबर 5 को देना है तो मैं क्या करूंगी, एक किताब लेके रोल नंबर 1 को दूंगी, फिर रोल नंबर 1 को बोलूंगी कि पास करो। रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 को देगा, रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 को देगा, रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 को देगा, और रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 को देगा। इस तरह से क्या हुआ कि एक दूसरे के संपर्क में आके हम लोग किताब को पास की। ठीक है, तो इसी तरह से अगर तापमान जो है, तापमान भी इसी तरह से एक को पास हुआ, मतलब जो उसके संपर्क में आ रहा है उस तरह से अगर वो गर्म होता है। ठीक है, माने जो अधिक गर्म कणों द्वारा अपने संपर्क में कम गर्म कणों को ताप देने की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन या संचालन। इसमें से क्या होता है, देखो दिन के समय पृथ्वी का धरातल सूर्य अभिताप से, माने इनकमिंग सोलर रेडिएशन या जो हम लोगों को इंसुलेशन मिलता है सूर्य से, जो प्राप्त होता है उससे क्या होता है, धरातल गर्म हो जाती है। ठीक है, और धरातल के गर्म हो जाने से उसके संस्पर्श में जो वायुमंडल की जो निचली परत आती है, ठीक है, निचली परत मतलब ट्रोपोस्फीयर का भी जो निचला वाला भाग है, जो भाग धरातल के संस्पर्श में आता है वो गर्म होता है। फिर उसके गर्म हो जाने से उसके ऊपर वाला जो परत है, ठीक है, तो इस तरह से क्रमशः वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। समझ में आ रहा है, कंडक्शन का मतलब क्या, माने संपर्क में आने से जो गर्म होता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संवहन। ठीक है, संवहन कैसे होता है, यह प्रोसेस क्या है। मान लो कि मेरे पास एक किताब है और मैं रोल नंबर 5 को वो किताब देना चाहती हूँ, तो आइदर मैं रोल नंबर 5 के बाद पास सीधा चली जा सकती हूँ किताब लेके, या रोल नंबर 5 मेरे पास आके बुक लेके जा सकती है। ठीक है, दोनों में से एक तरीका हो सकता है। मतलब संवहन क्या है, पदार्थ के कणों द्वारा गर्म होकर स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। मतलब यहाँ की वायु अगर गर्म हो गई तो ये गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, गर्म वायु ऊपर उठ के यहाँ आ गई, और यहाँ की जो ठंडी वायु है वो यहाँ पे चली गई। ठीक है, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। मतलब गर्म धरातल के संपर्क में आने से धरातल के पास की वायु गर्म होकर फैल जाती है और एवं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इससे क्या होता है, इससे वहां पे रिक्त स्थान हो जाता है, खालीपन आ जाता है। ठीक है, और इस खालीपन को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं आने लगती है और वे भी पुनः गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। इस प्रकार से क्या होता है, गर्म हवा
भारी होकर ऊपर उठता है और सॉरी गर्म हवा हवा जो है हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती रहती है। इस प्रकार वायु में क्या हो जाती है, संवहन धाराएं, ठीक है, कॉन्वेक्शनल करंट वायु में प्रवाहित हो जाती है। थर्ड जो आपका प्रोसेस है वायुमंडल के गर्म होने की, वो है विकिरण। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या है, कोई बीच के माध्यम की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मतलब हमको रोल नंबर 5 तक अगर किताब पहुंचाना है तो जस्ट मैं ऐसे फेंक के पहुंचा दूंगी, मुझे अपने स्थान परिवर्तन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं मुझे किताब पहुंचाना है ना, तो मैं 5 को यहाँ पे बुलाऊंगी और ना ही मैं उसके पास जाऊंगी, मैं किताब को यहाँ से डायरेक्ट थ्रो करूंगी 5 के पास। ठीक है, तो कोई मीडियम का मुझे जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई मीडियम का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कि बिना किसी माध्यम को गर्म किए ताप एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर चली जाती है या चली जाने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। क्लियर है? अब इस विकिरण को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। विकिरण को दो भाग में क्या बांट सकते हैं, एक होगा सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, नाम से ही क्लियर है, अगर सूरज से विकिरण हो रहा है तो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, और अगर पृथ्वी से रेडिएशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल माने भूमि, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो अब यह तुम लोग बोलो कि हम लोग का जो वायुमंडल है वो किस रेडिएशन से गर्म होता है, सौर किस विकिरण से गर्म होता है, सौर विकिरण या पार्थिव विकिरण। तो तुम लोगों को ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि हमारा जो वायुमंडल है वो सौर विकिरण से गर्म नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं होता है। हमारा जो वायुमंडल है वो हमेशा पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ये चीज ध्यान में रखना कि सौर विकिरण जो है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में होता है और टेरेस्ट्रियल विकिरण या पार्थिव विकिरण जो है वो लॉन्ग वेव्स के रूप में होता है, ठीक है। तो शॉर्ट वेव्स को वायुमंडल अलाउ कर देती है अंदर आने के लिए और जो लॉन्ग वेव्स हैं, जो दीर्घ तरंग है, उसको वायुमंडल क्या करती है, जाने में रोक देती है, ठीक है। वायुमंडल नहीं, वायुमंडल में जो आपके कुछ कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन इथेन, जलवाष्प, ठीक है। तो ये सारे गैसों का क्या धर्म है कि ये लघु तरंगों को आने देती है लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, इसलिए इन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है, हरित गृह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आया? ओके, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ताप का मापन, ठीक है, ताप का मापन, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। अच्छा, ताप का मापन हम लोग क्या करते हैं, दो स्केल में करते हैं, एक स्केल है आपका डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, एक है डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है डिग्री फारेनहाइट। जनरली अभी जो हम लोग अभी के सिस्टम में हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही तापमान को ज्यादा मानते हैं और इसको चेंज करने का एक फॉर्मूला है, क्या है कि जितना भी सेंटीग्रेड को अगर हम लोग को फारेनहाइट में चेंज करना है, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में, एक मिनट, सेंटीग्रेड को अगर हम लोग फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 9/5 से
गुणा करके उसमें 32 जोड़ेंगे, ठीक है, सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट। क्या करेंगे, जो भी हमारे सेंटीग्रेड का वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे 955 से इंटू करेंगे और इसमें 32 जोड़ेंगे, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फारेनहाइट में आएगा। और इसका उल्टा अगर हम करें, फारेनहाइट को अगर सेंटीग्रेड में बदलना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फारेनहाइट जो भी है, जो भी हमारा वैल्यू है डिग्री फारेनहाइट से, हम लोग 32 घटा देंगे। पहले हम लोग 32 यहाँ पे 32 जोड़े थे, लेकिन जब हम लोग को उल्टा करना है तो यहाँ भी उल्टा करेंगे, हम लोग फारेनहाइट से 32 को घटाएंगे और घटाने के बाद हम लोग 5/9 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब तुम लोगों के किताब में एक ऊष्मा माप मेजरमेंट ऑफ हीट का एक दिया हुआ है, सिक्स थर्मोमीटर, ठीक है, सिक्स थर्मोमीटर दिया हुआ है। तुम लोग क्या करोगी, किताब से देख करके, मेरे पास तुम लोगों वाली किताब नहीं है, ठीक है, तुम लोग किताब से देख करके उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, और हो सके तो उसका एक डायग्राम, उसका एक चित्र तुम लोग कॉपी में बना लेना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी अभी, ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है छोटे प्रश्नों के लिए, ठीक है, छोटा प्रश्न 2 नंबर या 1 नंबर में ये वाले पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तापांतर, तापांतर किसको कहते हैं, औसत तापमान और तापांतर। औसत तापमान, औसत का माने जानती हो, गणित में पढ़ी हो, औसत माने क्या होता है, एवरेज, ठीक है, और तापांतर माने होता है, तापांतर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर माने होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ताप का अंतर, तापांतर मतलब ताप का अंतर, ठीक है, तो किससे ताप का अंतर, मैक्सिमम सर्वोच्च, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, माने सर्वोच्च और सर्वनिम्न, सर्वोच्च माइनस सर्वनिम्न, सबसे ज्यादा और सबसे कम का जो अंतर है उसको हम लोग कहेंगे तापांतर। और औसत तापमान मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज, कैसे निकालते हैं औसत, जितना भी, मान लो उस समय तुम लोगों को पढ़ा रही थी कि 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां हैं, अब मान लो इन 5 लड़कियों को बुखार है, ठीक है, किसी को रोल नंबर 1 को 100 डिग्री बुखार है, रोल नंबर 2 को मान लो कि 101 डिग्री बुखार है, रोल नंबर 3 को 100 डिग्री बुखार है, रोल नंबर 4 को 102 डिग्री बुखार है, रोल नंबर 5 को भी 101 डिग्री बुखार है। अगर मैं बोलूं कि इन 5 लड़कियों को का एवरेज बुखार कितना है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जितना इनका बुखार था, टेम्परेचर, सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि टोटल संख्या 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो हमको इन लोगों का औसत तापमान या औसत बुखार पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह से तापमान के लिए भी होता है, अगर हम लोग बोले कि 1 साल का औसत तापमान क्या है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने,
12 महीने का जो औसत तापमान है उसको जोड़ करके 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो औसत तापमान जनरली दिन का भी हो सकता है। दिन का औसत तापमान मतलब दिन के हर एक घंटे में कितना तापमान होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद किससे भागा देंगे, 24 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, एक महीने का औसत तापमान अगर निकालना हो तो हर एक दिन का 1+1+1 करके हर एक दिन का जो औसत तापमान है उसको लिखेंगे। ठीक है, और लिख करके किससे भागा देंगे, 30 से भागा देंगे। क्यों 30 से भागा देंगे? क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है। ये समझ में आ गया? ओके, अब तापांतर हम लोग पढ़ रहे थे, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो देखो, अभी अगर हम लोग बोले कि दैनिक तापांतर, ठीक है, ये पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर क्या है ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापांतर को कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैनिक मतलब, दैनिक तापांतर मतलब एक दिन का ताप का अंतर। एक दिन में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, उसको डिवाइड, मैं उसको सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा हम लोगों का। मासिक तापांतर मतलब क्या होता है, एक महीने में, एक महीने में कितना मैक्सिमम ताप था, कितना मिनिमम ताप था, उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर भी एक एक जगह का पूरे साल भर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उसको लेंगे, और जो मिनिमम टेम्परेचर था उसको लेंगे, और दोनों को घटा देंगे। अक्सर तो दैनिक तापांतर क्या होता है, मासिक तापांतर क्या होता है, और वार्षिक तापांतर क्या होता है, यह एक एक लाइन में लिख लोगे, बहुत आसान है, एक लाइन में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब औसत मासिक तापांतर और सॉरी औसत दैनिक, औसत दैनिक तापक्रम तो तुम लोग को समझा दिए औसत, अच्छा क्या बोलने वाली थी, हाँ, अक्सर ये पूछा जाता है कि तुम लोगों को एक बता दिया, स्टेटमेंट दे दिया जाता है। आजकल देखो माध्यमिक का पैटर्न चेंज हो गया है, आजकल ना अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अप्लाइड मतलब यहाँ पे तुमको बुद्धि लगाना है, डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछा जा रहा है, थ्योरी दे दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, तुमको कारण बताना पड़ेगा। अगर बोल दिया जा रहा है कि एक जगह है, हाँ, एक जगह है जिसका मासिक औसत तापमान नहीं, जिसका वार्षिक तापांतर बहुत कम है, एक जगह है जिसका वार्षिक तापांतर बहुत कम है, और तो तुमको बताना है कि वह जगह का लोकेशन क्या होगा, वह उस जगह की स्थिति क्या होगी, वो समुद्र के पास का होगा कि समुद्र के दूर का होगा। तो अगर आपका वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है, माने बहुत अगर अधिक है मतलब वो समुद्र से दूर है, ठीक है, और इक्वेटर से भी दूर है, भूमध्य रेखा से भी दूर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा में क्या होती है, सालों भर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वार्षिक तापांतर से आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हो। मान लो एक जगह है जहाँ पे गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और ठंडा में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, मतलब 4-5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग को सबसे पहले यह समझ लेना है कि यह जगह समुद्र से दूर है, क्योंकि समुद्र के पास रहेगा तो समुद्र, समुद्र के पास कैसी जलवायु होती है, सम जलवायु होती है, गर्मी में ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठंडा में ना बहुत अधिक ठंडी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, स्थलीय समीर और जलीय समीर क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ठीक है, दिन के समय क्या होता है, समुद्र से हवा चलती है, और रात के समय स्थल से या भूमि से हवा चलती है समुद्र की ओर। तो इन दोनों हवाओं के चलने से क्या होता है, जो समुद्र के पास का इलाका होता है वहां पे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर
नहीं होता है। अब हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है और ठंड में 5 डिग्री, ठीक है, तो अंतर कितना का हुआ, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का ही देख लेना, दिल्ली में गर्मी में 45 डिग्री, 50 डिग्री, 50 तो नहीं, 46, 46 तक टेम्परेचर हो जाता है, और ठंडा में 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है, ठीक है। तो जहां जहां पर देखोगे कि वार्षिक तापांतर अधिक है, मतलब वो स्थान समुन्दर से दूर है और भूमध्य रेखा से दूर है, क्योंकि भूमध्य रेखा से अगर पास होती तो वहां पे तापांतर बहुत अधिक नहीं होता, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सालों भर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है और सालों भर वहां का मौसम एक ही जैसा रहता है, ठीक है। अगर तापांतर बहुत कम होता, ठीक है, मान लो कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका 32, ठीक है, मान लो कि मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 और मिनिमम टेम्परेचर है 22, ठीक है, तो आपका तापांतर कितना हुआ, 10 डिग्री, कहाँ 45 डिग्री और कहाँ 10 डिग्री। मतलब इसको देखने से ही हम लोग समझ जाएंगे कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती है और ठंड में तापमान जो है बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो वार्षिक तापांतर है वो कम रहता है, इसका मतलब माने इस तरह का स्थान क्या होगा, समुद्र के पास का होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो वायुमंडल में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से तापमान जो है प्रभावित होता है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारण या कारक, तापमान को प्रभावित तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला अक्षांश, अक्षांश तुम लोग को बार बार बताई हूं मैं, हमेशा ये चीज याद रखना, ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और यहां पे ध्रुव है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ज्यादा है कि 0 डिग्री, 0 डिग्री ज्यादा है, तापमान के लिए ज्यादा है, वैल्यू के रूप में, अगर मान के रूप में समझे, अगर वैल्यू के रूप में समझे तो 0 बहुत कम है, 90 ज्यादा है, ठीक है। तो कम है मतलब निम्न, ठीक है, तो निम्न अक्षांश, यहाँ पे तापमान क्या होता है, 0 डिग्री के पास तापमान बहुत अधिक गर्म होती है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो तापमान बहुत अधिक है। तो हमेशा याद रखना कि निम्न अक्षांश और तापमान में उल्टा संबंध होता है, क्या, उल्टा संबंध, हमेशा याद रखना इसको कि तापमान और अक्षांश में उल्टा संबंध होता है, निम्न अक्षांश उच्च तापमान, उच्च अक्षांश निम्न तापमान, उच्च अक्षांश है 90 डिग्री मतलब उच्च है, ज्यादा है उच्च, और ये ध्रुव है, ध्रुवों के पास तुम लोग जानती हो बहुत 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 ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, वहां के समर में, गर्मियों के दिनों में भी एवरेज टेम्परेचर जो है -10 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है, तो समझ सकते हो कितनी ठंड होती है वहां पे, ठीक है। तो उच्च अक्षांश निम्न तापमान, निम्न अक्षांश उच्च तापमान, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट है ऊंचाई, ऊंचाई और तापमान में भी उल्टा संबंध है, ऊंचाई और तापमान में भी कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर उठेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे क्रमशः तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा।
आप लोग को बता के रखूं, हरेक 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान क्या होती है, घट जाती है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घट जाती है, ठीक है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वतीय भागों में हम लोगों को क्या लगती है, ठंड लगती है, मैदानी भागों की तुलना में तापमान कम होता है, ठीक है। तो प्रत्येक 165 डिग्री पर जो 1 डिग्री तापमान घट जाती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी साधारण ह्रास नियम। ह में वी लिखोगी, हाँ, ह्रास नियम, नॉर्मल लैप्स रेट माने साधारण ह्रास नियम। हरेक 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घट जाती है। फिर है जल एवं थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण। ये जस्ट अभी तुम लोगों को समझाई मैं कि समुद्र के पास का इलाका होगा तो वहां पे सम जलवायु होगी, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर में मतलब तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, और वहीं अगर समुद्र से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, तापांतर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वायु का प्रभाव। वायु का प्रभाव क्या होता है, तापमान के वितरण में प्रचलित पवनों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म हवाएं गर्म क्षेत्रों में पहुंचती है तो तापमान को और अधिक बढ़ा देती है, तथा ठंडी हवाएं क्या करती है, तापमान को घटा देती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली लू क्या करती है, तापमान को और ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक। उसी प्रकार से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं क्या करती है, तापमान को घटा देती है। तुम लोग कभी कभी अभी अप्रैल के महीने में, अभी कुछ दिन पहले, अभी आज का भी तापमान बहुत अधिक गर्म नहीं है, अभी कुछ दिन पहले अचानक से बारिश आई, देखे ना तुम लोग की तापमान हवा आई। कभी कभी ऐसा भी तुम लोग महसूस किए हो कि एक हवा बहुत ठंडी हवा का झोंका आकर के चली जाती है और उसके बाद पूरा हम लोगों को ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो उसी तरह से हवा भी क्या करती है, तापमान को घटाने या बढ़ाने में हेल्प करती है, मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है धरातलीय ढाल। नेक्स्ट टॉपिक है धरातलीय ढाल, अगला टॉपिक, सॉरी अगला जो पॉइंट है धरातलीय ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड। धरातलीय ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड, अच्छा इसमें क्या होता है, पर्वतों का जो ढाल सूर्य की तरफ पड़ता है, वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अतः वहां का तापमान ज्यादा हो जाता है, उच्च हो जाता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित पर्वतों के दक्षिणी ढाल एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पर्वतों के उत्तरी ढाल पर, उत्तरी ढाल जो है वो अत्यधिक गर्म रहते हैं, और इसके विपरीत पर्वतों का जो ढाल सूर्य की तरफ नहीं होता है, मतलब पर्वतों का जो ढाल सूर्य की किरणों के विमुख होते हैं, वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ने के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है, और इन ढालों को हम लोग ताप छाया प्रदेश कहते हैं। तुम लोग वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ी हो, यह है ताप छाया प्रदेश, ठीक है, हीट शैडो एरिया। अगर तुम
तुम लोग पर्वतीय प्रदेशों में कभी घूमने गए हो तो इस चीज को तुम लोग अनुभव कर पाए होगे। अच्छा, नेक्स्ट है मिट्टी की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। मिट्टी की बनावट, किस चीज से मिट्टी बनी है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी की अपेक्षा मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी क्या होता है? चिकनी मिट्टी की अपेक्षा शीघ्र ही बहुत जल्दी से गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, और इसके चलते क्या होता है, बलुई राजस्थान में क्या मिट्टी है? बलुई मिट्टी है, तो इसलिए क्या होता है, और हमारे पश्चिम बंगाल में क्या है? चिकनी मिट्टी है, और हम लोग क्या पढ़े कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी ये चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है, राजस्थान में बहुत जल्दी राजस्थान गर्म भी हो जाता है दिन के समय, और रात के समय हीट लूज करके, हीट को वापस भेज के, ताप को वापस भेज के बहुत जल्दी ठंड भी हो जाती है। तो राजस्थान में क्या है, आपका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, तापांतर है, चाहे वो दैनिक हो चाहे वार्षिक हो, बहुत अधिक है। नेक्स्ट है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्री धाराएं में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि दो तरह की धाराएं तुम लोगों को पढ़ना है, आपका कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, मतलब गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, गर्म और ठंडी। तो जो गर्म जल धाराएं हैं वो तापमान को, अगल बगल के तापमान को बढ़ा देगी, जहां से वो गुजरेगी वहां के तापमान को बढ़ा देगी, और जो ठंडी जल धाराएं हैं वो वहां के तापमान को बढ़ा देगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ने कि अटलांटिक ओशन में बहने वाली, चलने वाली जो आपकी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, देखो कैसे याद रखोगे, ग से गर्म, ग से गल्फ स्ट्रीम, इस तरह से, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है उसके प्रभाव से क्या होता है, पश्चिमी यूरोप का तापमान इतना ऊंचा उठ जाता है कि वहां के बंदरगाह शीत ऋतु में भी खुले रहते हैं। तुम लोग जानते हो कि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, और ठंड के कारण वहां के जो बंदरगाह है, जो पोर्ट्स है, वहां पे बर्फ जमा हो जाता है। लेकिन यह जो गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, यह अमेरिका के गल्फ स्ट्रीम से होते हुए यूरोप की तरफ बहती है, और चूंकि यह गर्म जलधारा है इसका तापमान ज्यादा है, तो यूरोप के तट पर पहुंचने के बाद वह क्या करती है, वहां के बर्फ को पिघला देती है, और इसलिए वहां पे उस समय